हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बताऊंगी कि ग्रिड मेथड की मदद से कैसे हम एक परफेक्ट फेस बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे एक एक सेंटीमीटर पे मार्क कर लिया। आप चाहे तो गैप ज़्यादा भी कर सकते हैं। और सबसे खास बात कि लाइन ड्रॉ करते समय आप लाइट पेंसिल का यूज़ करें और ज़्यादा प्रेशर का अप्लाई ना करें। अब मैं अपने फ़ोन में रेफरेंस पिक को देखते हुए आउटलाइन ड्रॉ कर रही हूँ। नाउ अब आपको आउटलाइन ड्रॉ करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जैसे कि मैं यहाँ सनग्लासेस वाला पार्ट ड्रॉ कर रही हूँ, तो मैंने फ़ोटो में देखा कि जो सनग्लासेस वाला पार्ट है वो सेकेंड लाइन के सेवन्थ ग्रिड में ड्रॉ करना है। काफ़ी केयरफुली ऑब्जर्व करने के बाद मैंने सेकेंड लाइन के सेवन्थ ग्रिड में ड्रॉ करना शुरू कर दिया है। वैसे ही आपको जो भी फीचर ड्रॉ करना है उसको काउंट करने के बाद वैसे ही ग्रिड में वर्टिकली या फिर हॉरिजॉन्टली ड्रॉ कर देना है। यदि आप बिगनर है तो आपको ग्रिड लाइन से ड्रॉ करना काफ़ी हेल्पफुल होता है, क्योंकि इस तरह से आउटलाइन की आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। हमें ये भी ध्यान देना चाहिए कि हम पूरी तरह से ग्रिड मेथड पे डिपेंडेबल ना हो जाए। आउटलाइन ड्रॉ करते समय हमें प्रेशर का अप्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम प्रेशर का अप्लाई करेंगे तो फिर उसे इरेज करने में प्रॉब्लम होगा, जिससे हमारी ड्रॉइंग ख़राब हो सकती है। तो उसे हम फ्रीली हैंड से बनाएं तो ज़्यादा बेटर होगा। यदि आप ध्यान दे रहे होंगे तो मैंने हेयर के आउटलाइन में हेयर का सारा टेक्सचर नहीं बनाया है। आप बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। मैं स्केच कंप्लीट होने के बाद हेयर के जो भी बारीकियां होती हैं उसको बनाती हूँ। यदि आपको ग्रिड को लेके कोई कन्फ्यूज़न रहे कि किस ग्रिड में कौन सा रहेगा टेक्सचर, तो उसको आप पहले इन ग्रिड पे नंबरिंग कर दें, जिससे आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। प्रत्येक ग्रिड को बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करके बनाएं, वरना आपकी जो ड्राइंग है वो ख़राब हो सकती है। आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली हो। ऐसे ही और हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आईज़, नोज़ और लिप का जो भी फीचर होता है उसे फेस के आउटलाइन होने के बाद बनाती हूँ। आप चाहें तो वो रो बाय रो बनाते आ सकते हैं। मैं आपको एक बार फिर से याद दिला देती हूँ कि जो भी आउटलाइन है उसको बनाते समय हार्डली प्रेशर का यूज़ ना करें। ग्रिड मेथड की हेल्प से काफ़ी इजीली हम लोग आउटलाइन ड्रॉ कर लेते हैं, साथ ही इसके हेल्प से एक परफेक्ट आउटलाइन भी ड्रॉ हो जाता है। ड्राइंग के बहुत से पार्ट को मैंने स्किप किए हैं, जिसकी वजह से वीडियो काफ़ी बड़ी ना हो। इस 6 मिनट के वीडियो में मैंने पूरा ट्राई किया कि आपको परफेक्ट आउटलाइन ड्रॉ करना आ जाए। एक्यूरेट फेस के लिए आउटलाइन के साथ साथ हमारी शेडिंग भी जो है वो परफेक्ट होनी चाहिए। आउटलाइन परफेक्ट होने के बाद भी अगर हम शेडिंग परफेक्ट नहीं करते हैं तो वो सेम फेस नहीं लगता है। आईज़, नोज़ वगैरह को ड्रॉ करते समय ज़्यादा हड़बड़ी नहीं करना चाहिए, उसको अच्छे से एब्सॉर्ब करके ड्रॉ करना चाहिए,
ताकि वे परफेक्ट बने। यहाँ मैंने परफेक्टली ड्रॉ कर लिया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अब मैंने यहाँ पे पूरा आउटलाइन ड्रॉ कर लिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।